अभी टाइट बुन गई नहीं गई ऐसे अच्छे से चारपाई को। ये देखो कल गमला टूट गया था ना, क्या लगवाया आपने इसे चौक मिट्टी? और वो चली गई अपना घोंसला छोड़ करके बिचारी। आलू और गवार की फली। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शीशपाल ब्लॉग पर। और ये देखिए ये बैठा हुआ है कबूतर, तो रात इसने यहीं बिताई है और इसकी ये जगह फिक्स है, ये यहीं पर बैठा रहता है और सब कबूतरों ने अपनी जगह फिक्स कर रखी है। तो चलिए चलते हैं छत पर और देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं छत पर। तो चलिए हम आ गए छत पर। मोटर चला रखी थी मैंने, भर गई। अभी तो फिर मैं जब जाऊंगी तब बंद करूंगी। अभी टाइट बुन गई नहीं गई ऐसे अच्छे से चारपाई को। आ जाएगा। ये देखो कल गमला टूट गया था ना, क्या लगवाया आपने इसे चौक मिट्टी? मतलब पुट्टी ना, बिड़ला पुट्टी ना, पुट्टी लगवाई है और फिर इसको तार से बांध दिया तो जुड़ तो गया है, चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं। और वो चली गई अपना घोंसला छोड़ करके बिचारी। अब उसके अंडे आपको दिख रहे होंगे ना, ये देखो दो अंडे ना इधर दिख रहे आपको। और जी मेरे ख्याल से बंदर जी आए थे और आम खा के चले गए हैं शायद ना, है ना? बंदर का तो ऐसे हिसाब किताब है भैया। और ये हमने टांग रखा है पर कोई पक्षी इसके अंदर आता ही नहीं, खाली शो के लिए है। बताओ पक्षियों को चाहिए कि हमने बना रखा है घर तो आए, पर वो नहीं आ रहे। क्या करोगे इसका? अच्छा जी, इसने एक नकली चिड़िया बना के बिठा दें हम खुद से। ओ जी मैंने आपका मोबाइल बंद कर दिया, फिर मेरे फोन में आपके फोन की आवाज आती, इसलिए तोड़ लेके ना वो कोशिश। अरे यार मैं कल गई थी तो मैं निशा को ले जाती हूँ। शिट यार दिमाग से उतर गई मेरे तो। ये देखो जी हमारी बगिया। और ये देखो खुशबूदार फूल। हाय हाय इतनी खुशबू हो गई मेरे ऐसे मुंह के पास आते ही। मोगरा है, मोगरा मोगरा पता है मुझे वो मोगरा है। और वो इन्होंने लगाई है अनार के अंदर इंसुलिन की कमल कलम, कमल नहीं कलम। अरे हाय पानी गिरा दिया। शीशे वो था ना लोटस वाला सब पेड़ वो ऊपर है। चलो जी चलते हैं नीचे, गर्मी हो रही है छत पर तो बहुत ज्यादा। अब उसने अपना घर ना परमानेंट बना रखा है दोबारा से, उसने इसी में अंडे दिए हैं तो ये घर उसी का है। अब वो दोबारा से आएगी इसमें अंडे देने, जब वो अंडे देगी तब। अब इन्होंने ना ये पेड़ इस तरीके से बांध दिए ताकि आंधी आए तूफान आए पर ये पेड़ ना गिरे बिल्कुल भी। देखना आप लोग ये देखो इस तरीके से इन्होंने बांध दिए हैं। और ये वाला पेड़ तो इन्होंने ऑलरेडी पहले से बांध रखा था तो ये नहीं गिरा। ये इनका इलाका है सारा का सारा। अब हम चलते हैं अपने इलाके में रसोई की तरफ। और ये देखो मैंने बनाया है आज आलू और गवार की फली। इधर चाय बन रही है, बन चुकी है, मैंने गैस बंद कर दी है तो चाय बना दी मैंने, लेकिन उनका इंतजार कर रही हूँ, जब वो आएंगे तो खाना खाएंगे।
इसलिए। और यहाँ हमारे घर में चल रहा है फोन, दोबारा से आवाज लगाते हैं उनको, आ जाओ चाय ठंडी हो गई। तो जी ये देखिए मेरी सुबह की पूजा हो चुकी है और यहाँ पर रखा हुआ है इनका खाना। ये देर से आए खाना खाने के लिए, तो हम सब तो खाना खा चुके हैं और अब ये खाना खाएंगे। और ये देखिए अभी हो गया शाम का समय, तो मेरी शाम की पूजा भी हो गई है और हम पियेंगे चाय। और जी ये देखो कमरा कितना ही ठीक करो कितना ही ना करो, देखिए सब खराब। इधर मैंने लगा रखी है मशीन, कुछ कपड़े धुल गए कुछ कपड़े धुल रहे हैं और बस अब पियेंगे हम शाम की चाय। ये कपड़े धुल गए अभी, कुछ लगे हुए मशीन में ना। और जी ये दोपहर के खाने के बर्तन अभी साफ करूंगी और यहाँ बन गई मेरी चाय। तो चाय छानते हैं और चाय देते हैं सबको पीने के लिए। तो जी छान के चाय अब पियेंगे चाय, आप लोग भी चाय पी लो जी, शाम की चाय थोड़ा देर से पियेंगे हम। बस कपड़े धुल गए अभी, तो ये वाला पानी सारा साफ करूंगी लेकिन पहले चाय पीऊंगी मैं तो। नैना देकर के आएगी चाय अपनी अम्मा को और अपने पापा को। नैना जी लो जी चाय देकर के आओ। ये खिलौने भी ऊपर ले जाओ उसके, तुम तो यहाँ रख दे इसमें। तो यहाँ पर सो रही हैं अम्मा, तो ये देखिए अम्मा को उठाया जाएगा चाय दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स आपसे कल मिलेंगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा शेयर कीजिएगा। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, अपना ध्यान रखिएगा।